हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ जो कि 27 जून से लेकर 30 जून के बीच में ओपन रहेगा। उसका नाम है सायन डीएलएम का आईपीओ। तो दोस्तों, ये कंपनी भी डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें लिस्टिंग गेंस का पता चल पाएगा कि अंदाजन हमें कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। फिर दोस्तों, इस कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, मतलब ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है जिससे क्या है कि इसकी डिमांड इतनी अच्छी बन रही है। फिर दोस्तों, जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसके अलावा जो अपने पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों, जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कल की तारीख में 90 रुपीज पर शेयर चल रहा था, आज की तारीख में 100 रुपए पर शेयर हो गया है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। 56 मतलब 56 शेयर का ये लॉट है, तो 5600 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीबन 38% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। मिनिमम 20% होना चाहिए तभी अप्लाई करने के लिए सेफ होता है, तो अभी 20% से तो ऊपर ही है, 38% है, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें पहले दिन के सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए, उसके बाद ग्रे मार्केट का प्रीमियम का वेट करना चाहिए, उसके बाद हमें अप्लाई करने का कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और बाकी दोस्तों, मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहता हूं, तो बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और ऐसे आईपीओज वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर दोस्तों, बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कौन से सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी जो है 1993 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब ये 30 साल पुरानी कंपनी है, काफी एक्सपीरियंस कंपनी है, और इसकी एक पेरेंटल कंपनी है सायंट, जो कि पहले से ही शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है, और अभी इसका दूसरी कंपनी मतलब सायंट डीएलएम इसका आईपीओ आया है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग कंपनीज और अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीजें करती हैं, जिसके अंदर ये काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आता है, और वायर हार्नेस जो केबल का पूरा गुच्छा आता है। फिर दोस्तों, इसके एरिया इंडस्ट्री वाइज अगर इसको देखें तो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को अगर मिला के देखें तो करीबन वहां से टोटल 58% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अंदर अकेले डिफेंस से करीबन 38% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी कुछ जो रेवेन्यू है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से जनरेट होता है, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चर करती है वहां से जनरेट होता है। तो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट, साइड में आप सब फोटो देख सकते हैं, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विलांस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, रडार सेंसर्स, आरएफ प्रोडक्ट्स, तो ये सारे डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर उसके अलावा मेडिकल के अंदर मेडिकल डिवाइसेस है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उनसे रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर अदर इंडस्ट्रीज के लिए जैसे स्मार्ट मीटर्स आते हैं, फ्लो मेजरमेंट, उसके अलावा क्लीन एनर्जी से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होती है, जो भी कार वगैरह होती है उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव हो रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन है, सेफ्टी के लिए इंप्रूवमेंट्स है। फिर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी है, जिसके अंदर सेल्यूलर कम्युनिकेशन, नेटवर्क इंफ्रा, डाटा सेंटर्स, और उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे रूटर होता है, वाईफाई का रूटर होता है, टीवी देखने के लिए सेट टॉप बॉक्स होता है, और भी काफी सारे इससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये कंपनी काम करती है। तो मतलब इसका एरिया जो है काफी वाइड रेंज ऑफ एरिया है, और सबसे ज्यादा जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। उसका काम बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, और इस काम के अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली कंपनीज है, ऐसी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड भी है और अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है, पर इसका एरिया है डिफेंस और एरोस्पेस का, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इसके लिए। उसके अलावा अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो हनीवेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे इसके कस्टमर्स हैं। तो इसका काम अच्छा नजर आ रहा है, काम अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स भी हम देख लेते हैं, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। दोस्तों, 2020 से लेकर 2023 तक लगभग 4 साल के अंदर अगर देखें तो इसके एसेट्स लगातार बढ़े हैं। फिर अगर इसके रेवेन्यू के अंदर देखें तो रेवेन्यू भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है,
और 4 सालों के अंदर देखें तो इसके रेवेन्यू के अंदर डबल ग्रोथ हुई है 4 सालों के अंदर। 2020 के अंदर करीबन 464 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और 2023 के अंदर करीबन इसका रेवेन्यू हो गया 838 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग 2 गुना जैसा इसका रेवेन्यू हो गया है। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2020 के अंदर ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग थी। फिर दोस्तों 2022 के अंदर अगर इसका प्रॉफिट देखें तो करीबन 39 करोड़ रुपए का था और 2023 के अंदर करीबन 31 करोड़ रुपए का हो गया, मतलब 2022 से 2023 के अंदर इसका प्रॉफिट भी घटा है। प्रॉफिट के अंदर स्टेडी ग्रोथ नहीं है, मतलब लगातार जो ग्रोथ होती है वो नहीं हमें देखने को मिल रही है, और हालांकि रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें इसके नेटवर्थ की, तो इसकी नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है और रिजर्व कैश भी इसके हाथ में है, वो भी लगातार बढ़ा है। आज की तारीख में रिजर्व कैश है 145 करोड़ रुपए का और इसके ऊपर टोटल उधारी जो बोरोइंग्स है 314 करोड़ रुपए की, और 314 करोड़ रुपए की उधारी है। आईपीओ से जो पैसे जुटाए जाएंगे पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, उसके अंदर 161 करोड़ जो है इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। फिर उसके बाद भी इसके ऊपर करीबन 150 करोड़ रुपए जैसी उधारी रह जाएगी। इसके हाथ में रिजर्व कैश देखें और इसका एनुअल प्रॉफिट अगर देखें तो ये अपना जो डेब्ट है वो चुका सकती है, मतलब इतनी कैपेसिटी रखती है, मतलब आईपीओ के बाद फाइनेंशियली देखें तो ठीक कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन भी हम देख लेते हैं, तो दोस्तों इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 23% की, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.48% का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16% की, तो ये काफी अच्छी है। आरओई अगर 15% से ऊपर की होती है तो काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है। फिर दोस्तों इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 34.19 का निकल कर आता है और इसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 838 करोड़ रुपए का। और इसकी जैसी एक और कंपनी अभी कुछ ही टाइम पहले लिस्ट हुई थी, डीसीएक्स सिस्टम, वो भी डिफेंस के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाती थी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है, अभी वो भी अच्छा ग्रोथ दे रही है। उसका पी है 35.3 का और उसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 1280 करोड़ रुपए का, मतलब DCX थोड़ी सी बड़ी कंपनी है और उससे थोड़ी सी सस्ती वैल्यूएशंस बार आ रही, मतलब लगभग बराबर वैल्यूएशंस है DCX के। दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, मतलब इसका सेक्टर थोड़ा सा अलग है पर लगभग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ही कंपनी है। इसका पी है 101 का और उसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर 12,200 करोड़ रुपए का, मतलब काफी बड़ी कंपनी है बाकी सारी कंपनी से, डिक्सन से थोड़ी सस्ती वैल्यूएशंस है। दोस्तों डाटा पैटर्न्स ये भी केबल वायर हार्नेस और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसका पी है 82 मतलब 82 का पी है, इसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 462 करोड़ रुपए का, तो डाटा पैटर्न से बड़ी कंपनी है और सस्ती वैल्यूएशंस पर भी आ रही है। ओवरऑल काफ़ी सारी कंपनी से हमने इसको कंपेयर किया तो ये जो है ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस नज़र नहीं आ रही है, सही वैल्यूएशंस है, सस्ती वैल्यूएशंस है। काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा आईपीओ आया जिसकी वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, बाकी सारे आईपीओ की वैल्यूएशंस बहुत महंगी होती थी, इतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं कह सकते पर महंगा भी नहीं है ये। दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये आईपीओ 27 जून से लेकर 30 जून के बीच में ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 250 रुपए से लेकर 265 रुपए के बीच में और 56 शेयर का ये लॉट है। प्राइस बैंड वाइज बहुत ही सही वैल्यूएशंस है, मतलब महंगी वैल्यूएशंस नहीं है इसकी, और इसका इश्यू साइज है 592 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। इसके अंदर 161 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, बाकी पैसे कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर और कुछ कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आएंगे। फ्रेश इश्यू होता है ना पूरा का पूरा, वो बहुत अच्छी बात होती है। ओएफएस के अंदर तो क्या है कि जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी सेल करके निकल जाते हैं। फिर दोस्तों रिटेल पोर्शन रखा गया है 10% का, रिटेल पोर्शन इसीलिए 10% का है क्योंकि 2020 के अंदर लॉस मेकिंग कंपनी थी तो लगातार 3 साल तक प्रॉफिट के अंदर रहना होता है, तो लगभग FY22 तक काउंट किया गया है, तो ये कंपनी लॉस मेकिंग थी इसीलिए 10% का रिटेल पोर्शन रखा गया है। फिर दोस्तों एम्प्लॉइज के लिए जो डिस्काउंट रखा गया है 15 रुपए पर शेयर, एम्प्लॉइज जो कि साइन DLM के एम्प्लॉइज है उनके लिए। फिर दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो है 10 जुलाई को, 10 जुलाई को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स से अगर आप एक एक लॉट जैसे अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों 30% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है आज की तारीख में और अप्लाई करने के लिए थोड़ा सेफ माना जा रहा है, मिनिमम 20% हो तो अप्लाई करने का हमें सोचना चाहिए, तो 38% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। पर फिर भी मैं तो कहता हूँ कि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है, एंकर पोर्शन देखिए, उसके बाद पहले दिन का ग्रे मार्केट का प्रीमियम वापस कैसा होता है उसके बाद देख के आप अप्लाई करने का सोचिए।
बाकी आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, तो आप उनसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस काफ़ी बढ़िया सेक्टर है, पर इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरह के काम करती है। फिर भी सायन डीएलएम जिसकी रेपुटेशन अलग है, इसका जो एरिया है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर का, उसके अंदर वहाँ से 58% मतलब लगभग 60% जैसा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है, तो ये थोड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, मतलब क्रिटिकल सेक्टर के अंदर काम करती है। उसके अलावा ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करवाती है और कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, तो इसका एरिया जो है वाइड रेंज ऑफ एरिया है, मतलब जहाँ सर्विस प्रोवाइड करवाती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर प्रोवाइड करवाती है, इसके कारण ये बाकी सारी कंपनी से थोड़ा अलग वैल्यू रखती है। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज भी ये सही वैल्यूएशंस पर आई है, मतलब ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, तो उस हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। और बाकी दोस्तों कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस आपको लगा के ही लेना है। बाकी मेरा पर्सनल रिव्यू है, डिसीजन जो है आपका होगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं भी इसके अंदर अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, कुछ अगर मुझे अलॉट होता है तो कुछ पार्ट मैं सेल कर दूंगा, कुछ पार्ट को उसको होल्ड रखूंगा, और बाकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।